जिसमें दिल्ली से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मुकेश माथुर जी, ऑल इंडिया डायरेक्टर अतुल सानी जी, डायरेक्टर अतुल कदम जी, वुमेन सेल चेयरपर्सन दीपा नायक मैम एवं वुमेन सेल की प्रेसिडेंट मीरा मैडम जी यहाँ आने वाली है। छिंदवाड़ा से जो भी अधिकारी आ रहे हैं, कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय, एसपी महोदय, सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। 15/1/2020 को ऑफिस की ओपनिंग रखी गई है और बीएससी संस्था का काम जन सहयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, दहेज प्रताड़ना से जो परेशान है उनका सहयोग करना है, बाल मजदूरी पर अंकुश लगाना है, नशा मुक्त अभियान चलाना है, क्योंकि नशा के कारण कितने परिवार बेघर हो गए, बर्बाद हो गए, तो ये आंदोलन हमको चलाना है। आपराधिक जो भी मामले हैं वो ये संस्था देती है। अभी यहाँ मध्य प्रदेश में ये पहला ऑफिस है बॉयज अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन का, तो हम चाहते हैं आप लोग सब जुड़ के इस संस्था का सहयोग दें एवं टीम बना के काम करें। हमने अभी तक जहां जहां टूट किए हैं, शिविर लगाए हैं, पतालकोट रातें ग्राम पंचायत में लगाए हैं, हमारी टीम बरेली में भी बन चुकी है, अभी 12 लोगों की टीम बनी थी, वो भी 15 तारीख को यहां आने वाली है। उमरेड से 12 लोगों की टीम तैयार है, जिला छिंदवाड़ा से कम 50 लोगों की टीम तैयार हो रही है इस संस्था में। ये एक जन सहयोग संस्था है, इसमें पहले ही क्लियर कर दिया जाता है, पेमेंट का कोई रूल्स नहीं है इसमें। हाँ, कमीशन आता है इसका, दिल्ली से आता है, डोनेशन आता है इसमें। मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप अगर कहीं 50,000 कमा रहे हैं तो कम से कम 20 तो यहां कमाएंगे, वो भी लीगल तरीके से, अनलीगल तरीके से नहीं। क्योंकि आपका जो आई कार्ड बनता है, आई कार्ड में जो ज्वाइनिंग फीस अनुदान के रूप में ली जाती है 5,000। इस अनुदान राशि से आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है उसमें आपका 10,00,000 का प्रोटेक्शन बीमा है, प्लस 75% मेडिकल फ्री है संस्था की ओर से, आपका टोल टैक्स टोटल फ्री रहता है फैमिली के लिए। रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल आपके टोटल फैमिली का फ्री रहता है। और अभी जो अथॉरिटी लेटर जो ज्वाइनिंग हुए हैं, जिनके सारे अथॉरिटी लेटर यहाँ के कलेक्टर महोदय के द्वारा 15 तारीख को प्रदान किए जाएंगे और आई कार्ड भी उन्हीं के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, रजिस्टर्ड है, आप कहीं भी इस संस्था के बारे में सर्च कर सकते हैं। और 15 तारीख की जो जिम्मेदारी है हमारी टीम की, तो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाना है इसी चर्चा को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है। क्योंकि अभी तक आपने जैसा भी वर्क किया, इन्वेस्टिगेशन की, केस लेके आए, केस देखे हैं, लेकिन अभी जो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक टीम में, उमरेड टीम से हमको जो आशाएं हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपराधिक मामले ग्रामीण क्षेत्र में देखे गए हैं और वहां से आ भी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि टीम और टीम के मेंबर कंधे से कंधा मिला के हर केस की ओर ध्यान दें। अभी आपको ना कहीं कोई थाने से परेशानी है, ना एसपी कार्यालय से है, ना किसी विभाग से है। जिस दिन आपके हाथ में अथॉरिटी लेटर आ जाता है, उसके बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर रेट डाल सकते हैं आपराधिक मामले में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ। आपके हाथ में पावर आ जाएगा,
प्लस हमारे पास चैनल भी है, बीएसएससी का चैनल बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, मार्च में उसकी ओपनिंग है बीएसएससी का चैनल की। तो आपके हाथ में डबल ताकत आ जाएगी, चैनल की ताकत प्लस संस्था की ताकत, तो आपको कहीं रुकावटें नहीं आएंगी। अब मैं तरुण सर से कहना चाहूंगा, कुछ कहें दो शब्द अपने उमरे टीम के बारे में।